Hello and welcome to our YouTube channel Rubal Solutions. In this video, we are discussing the lesson 3 of class 4. As in the previous chapters, we have discussed about the Edubuntu, and this chapter also includes the working with Edubuntu. Lesson 3 of class 4 include working with Edubuntu. Let's start the topic. Learning in this chapter, we will know the features of Edubuntu, the files and folders, using context menu, starting Edubuntu, files, folders and their operations, and what is shortcut icon. ठीक है, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर के एंड तक पढ़ लेंगे. Computer is a machine which cannot think and work on its own. It requires instructions from the user. कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कि अपने आप सोच नहीं सकती, इसको यूजर चलाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. ये ऐसा मीडियम है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के थ्रू. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. ये सब एक्टिविटीज कंप्यूटर्स की कंट्रोल करते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एडुबंटू, मैक एक्सेट्रा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विंडोज होती है, लाइनक्स होती है, एडुबंटू है, मैक है, और भी बहुत सारे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एडुबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम एडुबंटू. आप देख सकते हैं नीचे तीन फिगर्स बनी हुई हैं. विंडोज 8 की बनी हुई है, ये रही विंडोज 8, ये रही एडुबंटू, ये रही मैक. एडुबंटू इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कॉल्ड एज यूनिटी. एडुबंटू क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI. उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी. क्या बोलते हैं? It allows the user to interact with the computer system using graphical icons. It was previously known as Ubuntu Education Edition. इसको पहले क्या बोलते थे? Ubuntu Education Edition. Edubuntu is considered to be one of the best available free software. It is designed for use classroom and homes and built on the top of Ubuntu base. ये इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि स्कूल के बच्चे क्लासेस में, घर में और सब जगह अपना काम कर पाएं, और ये उबंटू के बेस पर बना है. नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ एडुबंटू. सबसे पहला फीचर, अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज. एडुबंटू हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस विद कलरफुल थीम्स. To use of graphic icons make quite interactive and user friendly. ये काफ़ी आकर्षित है. Number 2, searching made easier. Search करना easy है. कोई भी चीज़ को dash icon पे लिखो और वो search हो जाएगी. कहाँ पर लिखो? Dash icon. ये safe और secure है. Edubuntu is much safer than Windows operating system against virus and hacking. मतलब कि ये safe है, अगर कोई virus आता है तो ये safe है as compared to Windows. फ्री अवेलेबल. Edubuntu इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये वेबसाइट का लिंक उन्होंने दिया हुआ है, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. नाउ द Edubuntu नेक्स्ट इज Edubuntu सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. Edubuntu किसको सपोर्ट करता है? मल्टीटास्किंग को. Edubuntu कैन इफेक्टिवली परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. ये एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टाइप लेटर्स इन राइटर एंड प्ले म्यूजिक ऑल्सो. हम लिख भी सकते हैं और गाने सुन भी सकते हैं. नो द फैक्ट, Edubuntu हैज बिन डेवलप्ड बाय दिस कंपनी कैनोनिकल, अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी विच इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. The first release of Edubuntu was 13th October 2005. कब बनी थी Edubuntu? रिलीज कब हुई थी? 13th October 2005. ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है. Edubuntu includes a large number of educational softwares like
KDE suite, Edubuntu menu editor, LibreOffice, and many more. Whereas Windows or Mac, these software has to be installed. जबकि ये सारे सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ या मैक में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और Edubuntu is widely used in schools and colleges. आजकल Edubuntu का जो फीचर है इस वजह से स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है. Now, the next topic is starting Edubuntu. When we switch on a computer, Edubuntu starts loading into the computer's memory. Once the process is completed, the first screen that appears on the monitor is called desktop. जैसे कि हमें पहले पता है, अगर आपने पहले वाली क्लासेस सुनी है तो desktop क्या होता है? जो पहली स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं desktop. It contains some label pictures known as icon. इसके ऊपर क्या होते हैं? Icons होते हैं. क्या होते हैं? Icons. It contains two bar. The bar at its top is known as menu bar. जो ऊपर वाली बार होती है उसको क्या बोलते हैं? Menu bar. और जो लेफ्ट साइड पे बार होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्चर. द कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम आर प्लेस्ड एज आइकन्स ऑन द लॉन्चर. लिनक्स इज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ लिनक्स आर रेड हैट, मिंट, फेड्रा एंड एडुबंटू. लिनक्स क्या है? एक फ्री पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबसे पॉपुलर वर्जन कौन कौन से हैं? रेड हैट, मिंट, फेडोरा एंड एडुबंटू. ठीक है, लेट अस नो मोर. एडुबंटू हैज रिलीज इट्स लेटेस्ट वर्जन 14.04. इट इज अ सेकेंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट अपडेट एज अ पार्ट ऑफ एडुबंटू 14.04 विथ 5 ईयर्स सपोर्ट साइकिल. डैश. अब डैश क्या है? टू डैश आइकन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ लॉन्चर. क्लिकिंग ऑन इट विल डिस्प्ले अ न्यू विंडो टूवर्ड्स इट राइट नोन एज डैश विंडो. द डैश हेल्प्स यू टू क्विकली फाइंड एप्लीकेशंस एंड फाइल्स इन योर कंप्यूटर. इट इज सिमिलर टू विंडोज स्टार्ट मेन्यू. टू सर्च फॉर एनी एप्लीकेशन एंड फाइल्स, type the name of the document or application in the search bar. It will display the desired results. You can search for information both locally as well as remotely. Files. Files क्या होती हैं? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? Desktop. Desktop पे क्या होते हैं? Icons. Icons के बाद क्या होता है? Dashbar. Dashbar से आप कोई भी वहाँ पर चीज़ लिख के आप सर्च कर सकते हैं. अब क्या होता है? Files and folders क्या होते हैं? वैसे तो जो फाइल्स एंड फोल्डर्स जो जनरल होते हैं वही होते हैं. और द फाइल्स फोल्डर डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया. यूजिंग द फाइल्स फोल्डर वी कैन असेस एंड मैनेज ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर. व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर आइकन ऑन द लॉन्चर, the adjacent home window opens. ठीक है, now files and folders. It is a collection of related information stored together on some storage device such as hard disk, CD, DVD or pen drive. As we keep important papers in a file, similarly any information in the computer is saved in the form of file. जैसे कि मैं एक सिंपल बता देती हूँ, जैसे कि हम अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को एक फाइल में रखते हैं ना, जैसे कोई, तो वैसे ही कंप्यूटर किस में रखता है अपने सारा काम? फाइल में, फोल्डर. और फिर कई बार हम कई चीज़ों को एक फोल्डर में बना के रख देते हैं, कई फाइल्स को हम एक फोल्डर में रख देते हैं कि ये इस तरह की फाइल है, तो वही फोल्डर है. एज वी कीप ऑल आर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, सिमिलरली फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज लाइक अ कैबिनेट. Now creating a file. Most common way to create a file is by using any application software. Right click करो writer पे, उसके बाद वो बन जाएगा, उसके बाद एक नया document खुल जाएगा, उसके बाद save button पे click करो और save button के बाद वो नाम पूछेगा तो नाम बना दो. वैसे ही folders create करने के लिए क्या करना है? Right click करो desktop पे,
क्या करना है, राइट क्लिक करो डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर की ऑप्शन सिलेक्ट करो, डिफॉल्ट नेम उसका आएगा अनटाइटल्ड, लेकिन आप उसको रीनेम कर सकते हैं, और एंटर की दबा दो। अब फाइल को ओपन करना है, सिंपल फाइल के पास पॉइंटर को लेके जाओ और क्लिक डबल क्लिक करो, और रीनेम करना है तो राइट क्लिक करो और रीनेम वाली ऑप्शन पे जाके उसको रीनेम करो, ठीक है। कॉपिंग अ फोल्डर, नाउ कम्स मूविंग अ फाइल और फोल्डर। यू कैन मूव वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ नहीं, सिंपल है फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, कट कॉपी पेस्ट। कट करना है तो वहां से चले जाएगी, और जहां पर पेस्ट, जहां पर लेके जाना है वहां पेस्ट कर दो। अगर आप कॉपी दबाते हैं तो उसी की कॉपी ले जाके आप कहीं और डाल दो, ठीक है। ये दो चीजें हैं, कट और पेस्ट, और कॉपी और पेस्ट। कट और पेस्ट से वो ओरिजिनल फॉर्मेट से, ओरिजिनल जगह से चले जाएगी और नई जगह पर पेस्ट हो जाएगी, लेकिन कॉपी पे वो ओरिजिनल प्लेस पर भी रहेगी और नई जगह पर भी चले जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप फाइल्स और फोल्डर को कर सकते हैं। सिंपल राइट क्लिक करते हैं, वहां पर ऑप्शन आती है कट और कॉपी की, जो भी आपने सेलेक्ट करना है कर लीजिए, फिर जहां आपको लेके जाना है वहां जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। और डिलीट करने के लिए भी वही है, राइट क्लिक करिए और डिलीट की ऑप्शन आती है तो वो थ्रैश में चले जाएगा। और एक और चीज़ होती है, जब कोई चीज़ थ्रैश में चले जाती है तो हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीस्टोर। थ्रैश में जाओ और उस पे राइट क्लिक करो और रीस्टोर का बटन दबाओ, तो ये क्या करती है, उसको रीस्टोर पे ले जाती है। अब है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स विच इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब आप बोलोगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, जब भी हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन उठ के आती है, उभर के आती है, पॉपअप का मतलब उभर के आती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यूजिंग द पॉपअप मेन्यू यू कैन सेव योर टाइम टू असेस कमांड। ये पॉपअप मेन्यू यूज करने से क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, हम डायरेक्ट किसी भी चीज पे जा सकते हैं। राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप यू फाइंड अ मेन्यू विद अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। द चेंज डेस्कटॉप ऑप्शन कैन बी सीन एट द बॉटम। यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड सेटिंग्स ऑफ डेस्कटॉप, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स एंड बिहेवियर सेटिंग्स ऑफ द लॉन्चर एज वेल एज मेन्यू बार। एक फ्रेंड समझने वाली बात है कि अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं या हम किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, दोनों में फर्क होता है। अगर हम डेस्कटॉप पे करते हैं तो अलग ऑप्शंस खुलेंगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो अलग ऑप्शंस खुलेंगी। देखो ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो हमारी ऑप्शंस खुलती हैं ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, मूव टू, कॉपी टू, रीनेम एंड मेनी मोर। और अगर हम डेस्कटॉप पे करते हैं तो न्यू फोल्डर, न्यू डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइज, चेंज डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर हो चुका होगा। नाउ व्हाट इज अ शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन है अगर किसी चीज का हमने शॉर्टकट बनाना है तो हम जैसे टाइप करें कैलकुलेटर और उसको भेज दें शॉर्टकट के लिए, तो हमारा शॉर्टकट बन जाएगा। एक आप रीकैप देख सकते हैं, रीकैप है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर, एडुबंटू इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अ फाइल सिस्टम, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर, अ शॉर्टकट इज एन आइकन ऑन द लॉन्चर दैट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स विच इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। The context menu is also called shortcut menu. This was a quick overview of working with the Ubuntu. Hope this chapter helps you. This is called the second part, can be called the second part of Edubuntu, working with Edubuntu. Please ask any questions if you want to. I am learning too, and thank you for all of you, all the views who are learning. Thank you. Love.